अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ विद मी चैनल में आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ब्रेड ऑमलेट पिज़्ज़ा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपको मिनटों में पिज़्ज़ा चाहिए तो आप इसको बना सकते हैं घर में, बच्चों के लिए स्पेशल बना के दे सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमें अंडों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हम 3 अंडों को यूज़ करेंगे, ये बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा हमने बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मोज़रेला चीज़ ले लिया है 1 बाउल भर कर। पिज़्ज़ा सॉस लिया है हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून, लेकिन हम इसको ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे। 3 हमने ब्रेड स्लाइस लिए हैं और इस पैन के हिसाब से हमने इसको कट कर लिया है। जिस पैन में मैं इसको बनाने जा रही हूँ उस पैन के हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। 3 ब्रेड स्लाइस हैं, इनको हिसाब से कट कर लिया। इसके अलावा सब्ज़ियाँ बहुत ही थोड़ी सी हैं। टमाटर हमने हाफ़ कट कर लिया है, हाफ़ टमाटर था, इसके बीज निकाल करके हमने इस तरीके से कट कर लिया है। कैप्सिकम ली है, ये मैंने 1/4 ली है और इसको भी हमने कट कर लिया। अनियन को हमने 2-3 स्लाइस लिए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है ऑलिव्स। इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी पिज़्ज़ा सीजनिंग की, तो यहाँ पे मिक्स हर्ब हैं और इधर है हमारे पास में ऑरिगेनो। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक खाली बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम लेंगे 3 अंडे। अंडों को तोड़ लेंगे सबसे पहले। अंडों को हमने तोड़ लिया है तो इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। इसमें डालेंगे तकरीबन 2 पिंच के करीब नमक, इससे ज़्यादा इसमें नहीं ऐड होगा। इसके अलावा हम डालेंगे 2 पिंच के करीब ही ब्लैक पेपर पाउडर, इससे ज़्यादा हमें किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे ज़्यादा स्पाइसी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब दूध। तो ये उबला हुआ दूध है मेरे पास में, 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर हम तकरीबन 1 पिंच के करीब डाल देंगे, 1 या 2 पिंच के करीब हम ऐड कर लेंगे मिक्स हर्ब। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब जो ब्रेड है हमने जिनको कट करके रखा हुआ है, इस पर हल्का हल्का सा हम बटर लगा लेंगे इस तरह से, ताकि ये थोड़े से बटर का फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो हल्का हल्का हम लगा लेंगे सब पर, सारे ब्रेड पर हमने हल्का हल्का सा बटर लगा लिया है। इधर हमने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। पैन हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर अब हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और बटर को चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे क्योंकि ज़्यादा तेज़ होगा तो ये नीचे से जल जाएगा हमारा अंडा। तो इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने बटर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो मिक्सचर हमने अंडे का बनाकर रखा हुआ है, ये सारा ऐड कर देंगे। इसको हल्का हल्का सा फैला लेंगे, मतलब ये चारों तरफ एक जैसा होना चाहिए। इसके बाद में हम ऐड करेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें। इसके बाद में हम ऐड करेंगे ब्रेड पे लगे हुए जो बटर है हमारा, तो अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे अपने बटर वाले ब्रेड जो हमने कट करके रखे हुए हैं। तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे इस तरह से। तो ब्रेड को हमने अच्छी तरीके से चारों तरफ से अरेंज कर दिया है। फ्लेम बिल्कुल स्लो है और स्लो फ्लेम पर इसको इतना पकाएंगे कि ये अंडा एक तरफ से अच्छे से पक जाए। जब ये अंडा अच्छे से पक जाएगा तो इसको हम फ्लिप कर देंगे। अंडा हमारा पक चुका है अच्छी तरीके से, तो इसको अब हम फ्लिप करेंगे। तो इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से एक प्लेट, फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो करके रखा हुआ है, इसको हम फ्लिप कर लेंगे। ये देखें, हम देखिए कितना अच्छा अंडा हमारा पका हुआ है। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर से रख देंगे। ये देखें कितना आसान है इसको रखना। अब जो काम करेंगे हम फटाफट कर लेंगे। तो इस पे लगाएंगे हम पिज़्ज़ा सीजनिंग, पिज़्ज़ा सॉस फटाफट से। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चीज़, ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है ग्रेट किया हुआ, यहाँ पे डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे सारी सब्ज़ियाँ, सब लगा देंगे एक एक करके। सब्ज़ी को हमने अरेंज कर दिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे फिर से हम चीज़, अच्छी तरीके से डाल देंगे। जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कम डाल रही हूँ या आप ज़्यादा डालेंगे। जिस हिसाब से चाहें, जैसा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसको ऐड कर दें। ऑरिगैनो डाल देंगे, साथ ही इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से मिक्स हर्ब, वो हम थोड़े थोड़े से ही कहीं कहीं छिड़केंगे। कहीं कहीं पर हम डाल देंगे इसके ऊपर से, स्प्रिंकल कर देंगे मिक्स हर्ब। और इसको अब हम कवर कर देंगे, बिल्कुल गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और कवर करके इसे तब तक पका लेंगे जब तक चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट होता है। तो बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बनकर हमारा तैयार हो गया है। पूरे घर के अंदर इसकी माशाल्लाह से खुशबू महक रही है। तो इसके एजेस को हम थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, इसका चीज़ सारा मेल्ट हो चुका है। इधर हमने ब्रेड को, ये देखिए
आप इस तरह से देख सकते हैं ब्रेड हमारे अच्छे से सेक चुके हैं, तो इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब इसको अब हम प्लेट के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। देखिए कितने आसानी से ये प्लेट के अंदर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। देखने में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, खाने में तो फिर इसका जवाब ही क्या है। तो इसको अब हम कट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। अपने बच्चों को बहुत ही मिनटों में खुश किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, कुछ ही मिनटों में ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। रेसिपी आपको भी पसंद आती है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाज़िर होती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।